हाय गाइस, बेटा अपन जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रिलैटरल्स चैप्टर, अच्छा है। दो ही एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चंस भी आप लोगों को ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं रहते। बेटा बस इस चैप्टर के लिए आप लोगों का ज्योमेट्री का जो पहले दो चैप्टर्स के लाइंस एंड एंगल्स एंड ट्राइंगल्स अच्छे होने चाहिए ना, आपको ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जैसी चीज़ें पता होनी चाहिए क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट को इंटीरियर पैरेलल लाइंस के जो थे एंगल्स एंड प्रॉपर्टी अगर पता होनी चाहिए। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा हमें पता होनी चाहिए, क्या? कॉन्ग्रुएंसी पूरा। अगर बेटा आपका वो वीक है या आपने किया ही नहीं तो ये चैप्टर समझेगा नहीं। वीक है तो आई वुड सजेस्ट फटाफट ट्राइंगल्स को आप लोग स्ट्रॉन्ग कर लो, आपको यहाँ पे बहुत फायदा हो जाएगा। और अगर मान लो थोड़ा बहुत ही इशू आता है हमें, थोड़ा बहुत कभी कभी नहीं जमता है, तो ठीक है आप लोग यहाँ पे सीख जाओगे, बट एक अच्छा खासा आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करने वाले। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक चार्ट बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये चार्ट से हम लोग प्रॉपर्टीज याद रखेंगे, कौन से इसकी, पैरलोग्राम की, रोम्बस की, रेक्टेंगल की एंड स्क्वायर की। अब बेटा देखो, मेरे पास ना बहुत अच्छा स्कोप नहीं है यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा सब कुछ बनाने का वगैरह, आप लोगों के पास है। बेटा आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जो भी चैप्टर अभी नया वाला चैप्टर स्टार्ट करते हो, नए पेज से करते हो, ठीक है, मान लो ये आपकी कॉपी होती है, तो डू नॉट स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम दिस पेज। ठीक है, कि मान लो आपका पिछला चैप्टर यहाँ पे ऐसा खत्म हुआ तो अपन यहाँ पे नया क्वाड्रिलैटरल चैप्टर स्टार्ट करते ना, यहाँ पे मत करो, वो पेज छोड़ दो, रादर नए पेज पे ये क्वाड्रिलैटरल ऐसा स्टार्ट कर लो आप लोग, मतलब दोनों पेज को इस्तेमाल करते हुए। तो ऐसा क्यों? बेटा देखो, मैं आप लोगों को एक चार्ट बनवाने वाला हूँ जहाँ पे आपको कुछ एक पहले एक ये फिगर के बारे में यहाँ पे ऐसा लिखवाऊंगा मैं, फिर ऐसे उसके नीचे दो फिगर्स और, ठीक है, ये दो फिगर्स के बारे में, और फिर यहाँ पे हम लोग एक और फिगर के बारे में ऐसा बनाने वाले। ठीक है, अब देखो अगर आप ये एक ही पेज में करोगे ना तो बहुत कचरा पट्टी होगा, जैसे आपको यहाँ पे जब मैं करूँगा तब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों मना कर रहा था। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा अच्छे से ये जो मैं आपको बना रहा हूँ चार्ट वो आप लोग बनाना, पहले देख लो, मैं आपको टाइम दूंगा। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग लेते हैं पैरलोग्राम को, किसको, थोड़ा अच्छा बना दूँ कलरफुल, पैरलेलोग्राम। ठीक है, देखिए वो फिगर कुछ ऐसा रहता है मेरा, ठीक है, ये मान लीजिए ए बी सी डी। अब इसकी जो जो प्रॉपर्टीज मुझे पता है या मुझे याद रखनी है मैं आप लोगों को यहाँ पे बाजू में लिखवा रहा हूँ। पहला क्या है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है ना, वो 11 नहीं है, पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब हो जाता है कि मेरा ए बी पैरेलल होता है सी डी से और ए डी पैरेलल होता है बी सी से। ठीक है बेटा, ये एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन होती है, क्या होती है, डेफिनेशन होती है, मतलब बेटा एक क्वाड्रिलैटरल जिसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स मेरे पैरेलल हो वो बन जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है, अब जो और प्रॉपर्टीज आती है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा लोग, इसका मतलब हुआ मेरा ए बी सी डी के बराबर है और वैसे ही ए डी बी सी के बराबर है। चलो तो ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब क्या होता है बेटा उसका, मेरा एंगल ए एंगल सी के बराबर है और एंगल बी एंगल डी के बराबर है। बेटा एट्थ में हमने पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बेटा वो लिखवा नहीं रहा हूँ क्यों सर, अभी देखो ना ये पैरेलल हुए तुम्हारे तो ये और ये एंगल तो वैसे ही को इंटीरियर एंगल हो गए, तो ये बच्चों वाली चीज़ अब लिखवा नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, ये बचपन में छोड़ दो अब आप लोग। चलो ठीक है, फोर्थ, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब ये हो रहा है कि एक मान लीजिए मेरा ये डायगनल्स है, ये कोई पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होने वाला है कि मेरा ए ओ इक्वल टू सी ओ है और बी ओ इक्वल टू डी ओ है। अब बेटा जो बच्चे मुझसे एट्थ में पढ़े हुए अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उनको ये सब चीज़ें पहले से याद होगी क्योंकि आप लोगों को मैंने वहीं पे याद करवाया था, तो आपको यही चार्ट बनवाया था, याद है? चलो जो लोग नहीं पढ़े हुए कोई बात नहीं, अभी आप देख लो, अपन ऐसा नहीं पढ़ रहे कि एट्थ में पढ़ा था आगे बढ़ते हैं, आपको हर चीज़ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी आपको लिखना नहीं, रुक जाइए। अब बेटा नेक्स्ट, इसके नीचे आते हैं दो लोग, ठीक है, सबसे पहला आता है रोम्बस, रोम्बस, और यहां पे आने वाला है मेरा रेक्टेंगल। ठीक है,
ऐसे क्यों बना रहे हो चार्ट, सब चीज़ें बताऊंगा। भैया बस मेरे पे भरोसा रख के देखते रहिए, जब बोलूंगा लिखने का लिख लीजिएगा। इतना ए बी सी डी डायगोनल इंटरसेक्ट करें, मान लो ओ पे। बेटा पहली प्रॉपर्टी मेरी, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इसमें, हर एक प्रॉपर्टी जो मैंने पैरेललोग्राम में लिखी है, मतलब ये चारों की चारों प्रॉपर्टी, वो सब अप्लाई हो जाती है। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। चलो ठीक है, तो ये खुद की भी कोई प्रॉपर्टी होगी, यस वो है ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या बेटा, ऑल साइड्स आर इक्वल, कुछ चार मार्क कर दो। क्यों बेटा, ये डेफिनेशन है इसका। क्या एक क्वाड्रिलैटरल जिसके चारों साइड्स अगर इक्वल हो जाए तो क्या बन जाता है बेटा मेरा, वो बन जाता है मेरा रोम्बस। यानी क्या हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। बेटा देखो पैरलोग्राम इसका, देखो पहली मतलब मैं समझाता हूँ, पहली प्रॉपर्टी का ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरलोग्राम का मतलब ये हुआ। देखो अपन ने क्या देखा था सर, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरलल, पैरलोग्राम में देखा था, तो वो चीज़ यहाँ पे भी लग जाएगी। यहाँ पे हमने देखा था बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो वो यहाँ पे भी लग जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा था अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो सर वो यहाँ पे भी लग जाएगा। और यहाँ पे देखा था डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे भी लग जाएगा। अब खुद की नई प्रॉपर्टी क्या है सर, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है, उसी का ना सर चारों साइड इक्वल है बेसिकली। ठीक है, तो देखो पैरलोग्राम में क्या हो रहा था, मे बी ये 6 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 8 है, पैरलोग्राम में ऐसा हुआ था। रोम्बस में क्या होने वाला बच्चा, ये 6 ये 6 ये 6 ये 6, मतलब ऑल साइड मेरे इक्वल होने वाले। चलो बस इतना ही है क्या, नहीं बेटा एक और प्रॉपर्टीज है। देखो पैरलोग्राम में देखा हम डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसके अंदर डायगनल्स बाइसेक्ट एट 90 है। डायगनल्स बाइसेक्ट तो करते ये बधाई हो बाइसेक्ट, बट ये करते हैं एट 90 डिग्री। मतलब क्या हो जाएगा मेरा, मेरा ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये है, वो तो ठीक है, वो सब बढ़िया बात है, बट साथ ही साथ में मेरा ये एंगल, यानी ए ओ बी बोलो या बी ओ सी बोलो या सी ओ डी बोलो, डी दिख रहा है डी, या ए ओ डी बोलो, सबकी सब एंगल्स भी मेरे 90 डिग्री है। मतलब क्या क्या, एंगल ए ओ बी बोलूँ या बी ओ सी बोलूँ या एंगल सी ओ डी बोलूँ, एक मिनट थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ मैं, रेक्टेंगल की जगह छोड़नी है मुझे। एक सेकंड चाहिए क्या, मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ यार टूल। ए बोलू या ए ओ डी, ए ओ डी, सबके सब मेरा एंगल कितने है 90 डिग्री है। फाइन, ये मेरी किसकी प्रॉपर्टीज हो गई बेटा, ये मेरी प्रॉपर्टीज हो गई है रोम्बस की। अब रेक्टेंगल की, अब देखिए रेक्टेंगल के लिए बहुत बड़ा जगह तो बचा नहीं है बाजू में, मेरे पास थोड़ी सी जगह थी आपको जैसा बताया था मैंने। तो गाइज आप लोग थोड़ा प्रॉपरली लिखिएगा, जो गया मेरा ओ। पहली प्रॉपर्टी वैसी वही वाली, क्या सर बोथ पेयर, अच्छा ये क्या, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरलोग्राम, मतलब वही बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ एंगल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और साथ ही साथ में क्या डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो वही जो यहाँ पे जैसा मैंने लिखा है वही प्रॉपर्टी अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या लिखूँगा बेटा, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरलोग्राम। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब इसी खुद की प्रॉपर्टी एक क्या होती है बेटा, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90, यानी ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड आर इक्वल टू 90, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ इसका बेटा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हुआ है बेटा पहला प्रॉपर्टी, और बेटा ये खुद का डेफिनेशन हो गया है। तो मतलब क्या बेटा, एक क्वाड्रिलैटरल जिसे चारों एंगल्स इक्वल हो वो क्या बन जाता है हमारा, पैरलोग्राम बन जाता है। परफेक्ट, ठीक है बेटा, ये सब डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आगे काम में आएंगे कुछ क्वेश्चंस में, इसलिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है अब बेटा, डायगनल्स के बारे में, यहाँ पे डायगनल्स बाइसेक्ट तो कर ही रहे बट 90 डिग्री पे नहीं, ये कोई एंगल वैंगल पे नहीं है, यहाँ पे है कि डायगनल्स एक दूसरे से इक्वल है। क्या है, डायगनल्स, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है, किसके इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया है मेरा, मेरा ए सी इज इक्वल टू बी डी आ रहा है। अब देखो क्योंकि ए सी बाइसेक्ट हो रहा था और बी डी भी बाइसेक्ट हो रहा था, तो एट द एंड ये और ये चारों इक्वल हो जाते हैं, बट हमें तो डायगनल सर इक्वल वैसा यूज़ कर रहे हैं। देखो मैंने क्या बोल रहा हूँ मैं बच्चा लोग, ये मान लो ये पूरा 10 था, तो ये भी पूरा तुम्हारा 10 हुआ है ना, अब बाइसेक्ट थे तो
तो ये इतना पांच रहेगा, ये भी पांच रहेगा, ये पांच रहेगा और ये भी पांच रहेगा, फैट लिया। चलो अब नेक्स्ट इन दोनों के नीचे एक और आ जाता है, क्या लास्ट वाला हमारा फिगर सिंपल सा क्यूट सा जिसके हमें ज़्यादा मगजमारी भी नहीं करनी पड़ेगी, क्या सर? स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर बना रहा हूँ मैं, ए बी सी डी, डायगनल्स बनाया है, ये ओ पे है, इसकी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी लिखनी है आपको सर, कौन सी? ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्लोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। सर मतलब क्या? जितनी प्रॉपर्टीज आपने पूछी है सब इसमें लग जाती है। सर मतलब पार्लोग्राम की चार थी, अपोजिट साइड पार्लल है क्या? हाँ। अपोजिट साइड इक्वल है क्या? हाँ। अपोजिट एंगल्स इक्वल है क्या? हाँ। सर डायगनल्स बाइसेक्ट है क्या? हाँ। रोम्बस की दो खुद की थी, ऑल साइड्स इक्वल है क्या? हाँ। डायगनल्स बाइसेक्ट 90 है क्या? हाँ। रेक्टेंगल की दो खुद की थी क्या बेटा? ऑल एंगल्स 90 है क्या? हाँ। सर डायगनल्स इक्वल है क्या? हाँ। सब प्रॉपर्टीज में लग जाती है, ठीक है। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन मैं लिखवा दे रहा हूँ आप लोगों को, सिर्फ लिखवाने के हिसाब से कि आपको डेफिनेशन पता हो। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब एक मेरा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके हर एक साइड भी इक्वल हो और हर एक एंगल 90 के बराबर हो, तो मेरा क्या जाता है? स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो ये हुआ वो चार्ट। अब देखो मैं पहले आप लोगों को सिर्फ पैरलोग्राम दिखाता हूँ, आप लोग प्लीज़ थोड़ा नीटली अच्छे से बनाइएगा क्योंकि ये चार्ट आपको रेफर करना पड़ेगा, तो आपको चैप्टर में कई बार ये प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल आने वाला है। प्लस नेक्स्ट ईयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके करते हैं हम चैप्टर, नाइन्थ वाला जितना नहीं हो, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, ईजी से बट लंबा है, उसमें भी हमें प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए प्लीज़ आप लोगों को जैसे स्टार्टिंग करता था ना मिडिल पेज है ना कोई डबल साइड पेज पे, वैसा करना है। तो बेटा पहले ये पैरलोग्राम को आप लोगों को करना है पॉज और ये पैरलोग्राम की प्रॉपर्टीज ढंग से लिखना है। चलिए अब ये नीचे वाला आप दोनों रोम्बस और रेक्टेंगल अच्छे से कर लीजिए। अब गाइस अब आप लोग ये स्क्वायर पॉज करके ये भी कर लीजिए, ठीक है। अब देखो ये सब कुछ तो हो गया, सर अब आगे क्या? बेटा ये वाले चैप्टर में हमें कई सारे थियरम्स हैं, बट थियरम्स बहुत इजी इजी है। हम लोग जो फर्स्ट थियरम है वो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहले मैं आप लोगों को सिर्फ पैरलोग्राम्स के कितने आई थिंक कुछ सात थियरम्स बता रहा हूँ। सातों थियरम एक्चुअली हम लोगों को बहुत ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। देखो अब आगे न्यू पेज आना, बहुत जगह बचोगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब नया पेज मतलब ये वापस से ये ऐसा वाला रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखेंगे हम, यहाँ पे कुछ लिखेंगे, ठीक है। अब मैं मेरे इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही पेज में दिखा रहा हूँ ऐसा बीच में लाइन बना के, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है दो अलग अलग पेज पे करना प्लीज़ बच्चा लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप लोगों का जो लेफ्ट एंड राइट का पेज रहेगा वहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरलोग्राम हेडिंग देंगे, राइट साइड में हम लोग हेडिंग देंगे हाउ टू प्रूफ अ क्वाड्रिलैटरल एज अ पैरलोग्राम, ठीक है। ये आप लोग बस इतना सा करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी, देखो ये थ्योरम नंबर आई थिंक 8.2 है, ठीक है। मेरे पास एनसीईआरटी है खुली हुई, आप लोग अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो आपको बस बता रहा हूँ, आपको थ्योरम नंबर से याद नहीं रखना, बस बता रहा हूँ आपको थ्योरम से जो लिखवा रहा हूँ। थ्योरम क्या है? इन अ पैरलोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो क्या जाएगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरलोग्राम, ये हो गया थ्योरम नंबर वन मेरा, ठीक है। ये यहाँ के लिए या फिर प्रॉपर्टी ऑफ पैरलोग्राम होगी, तो वो तो देखा था हमने, हाँ ठीक है, बट अभी वापस से लिख लो। अब देखो हाउ टू प्रूव अ क्वाड्रिलैटरल इज पैरलोग्राम, तो ये देखो इसका क्या हो जाता है, इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरलोग्राम। सब मतलब क्या हुआ? देखो मैं दोनों का डिफरेंस समझाता हूँ। यहाँ पे ना ये ए बी सी डी पैरलोग्राम मुझे गिवन है, ठीक है, कि गिवन है ए बी सी डी मेरा पैरलोग्राम है, ठीक है। तो मुझे प्रॉपर्टी क्या दे रही है? प्रॉपर्टी मुझे बता रही है कि ए बी इक्वल टू सी डी है और ए डी इक्वल टू बी सी है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये क्वाड्रिलैटरल है जिसमें मुझे गिवन क्या है,
मुझे गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, मुझे ये चीज गिवन है और मुझे प्रॉपर्टी क्या बता रही है, क्योंकि दोनों पैर देखो एक ही पैर नहीं, दोनों पैर ऑफ अपोजिट साइड्स क्योंकि मेरे इक्वल है, इसलिए प्रॉपर्टी मुझे बता रही है कि ए बी सी डी मेरा पैरलोग्राम बन चुका है। ठीक है, तो दो अलग अलग पेजेस पे आपको ऐसा ये इतना सा लिखना है। ठीक है, ये वाला पेज ही बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेटा, चलो करो इसको, इतना हो गया। अब सेकेंड प्रॉपर्टी, वैसे ये थ्योरम नंबर 8.2 था, ये थ्योरम नंबर 8.3 था, आपको लिखना नहीं पड़ता है वैसा, बट मैं आपको सेकेंड प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। ठीक है, इन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो रही है मेरी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, और इसी की करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, कॉन्वर्स जैसे हो जाएगा, इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ क्वाड्रिलैटरल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ पे अगेन मुझे गिवन है कि ए बी सी डी जो है मेरा पैरेललोग्राम है, ये प्रॉपर्टी भी हम देख चुके हैं, गिवन है मुझे कि ए बी सी डी मेरा पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो देखो मेरे को प्रॉपर्टी क्या बता रही है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है, ये मुझे कौन बताया, ये मुझे प्रॉपर्टी ने बताया। ठीक है, वैसे अब इसका मतलब क्या हो गया है कि मुझे पहले से ये चीज़ पता है कि सर ए बी सी डी गिवन में मुझे ये है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है, मुझे प्रॉपर्टी क्या बता रही है बेटा, प्रॉपर्टी बता रही है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, कि अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, साथ ही साथ में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, मेरा पैरेललोग्राम बन जाएगा। समझ आया वाला, चलो अब ये देखो, आई थिंक ये 8.23, ये 8.4 थी, ये 8.5 थी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए अब अपना 8.6 वाली प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। ठीक है, देखो ये भी देख चुके हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इस मतलब क्या हो गया, सॉरी थोड़ा इधर लिख सकता हूँ, ये मान लो ये ए बी सी डी है, ये डायगोनल्स है जो बाइसेक्ट कर रहे एक दूसरे को, ओ पे ऐसा रहेगा, तो मुझे गिवन है कि सर ए बी सी डी मेरा एक पैरेललोग्राम है, मेरे को प्रॉपर्टी क्या बता रही है, ए ओ इक्वल टू सी ओ बता रही है और साथ ही साथ में बी ओ इक्वल टू डी ओ बता रही है, कौन बता रही है बेटा ये प्रॉपर्टी, और इसी का कॉन्वर्स जैसा क्या होगा, इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा लोग, कि मुझे क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है ये ए बी सी डी, तो क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है सच दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये है, मुझे गिवन में इतना है कि ए ओ इक्वल टू सी ओ है और बी ओ इक्वल टू डी ओ है, तो मुझे प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि ये ए बी सी डी मेरा बन जाएगा पैरेललोग्राम। समझा यहाँ तक के, पक्का? देखो अपने लेफ्ट हैंड साइड में क्या देखा, अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखा कि अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल है, और राइट हैंड साइड में हमने तरीका देखा क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने का, कि अगर मान लो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है, मतलब ये इससे इक्वल और ये इससे इक्वल, वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। फिर हमने देखा प्रॉपर्टी देखी पैरेललोग्राम की, कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल है, मतलब ये एंगल इससे और ये एंगल इससे, अब उसका ही कॉन्वर्स से हमने क्या देखा, प्रॉपर्टी से क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम बताना, अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल है, मतलब ये एंगल इससे इक्वल है और ये एंगल इससे इक्वल है, तो वो क्वाड्रिलैटरल मेरा पैरेललोग्राम बन जाएगा। वैसे ही अब यहाँ पे क्या देखा मैंने, अब पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, बट अगर क्वाड्रिलैटरल से मुझे पैरेललोग्राम करना है तो क्वाड्रिलैटरल के अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ए ओ इक्वल टू सी ओ है और बी ओ इक्वल टू डी ओ है, तो बेटा वो पैरेललोग्राम बन जाएगा मेरा। अब एक आखिरी प्रॉपर्टी बेटा, अब वो हम लोग यूज करते हैं टू प्रूव दैट अ क्वाड्रिलैटरल इज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो फोर्थ है यानी, ठीक है, वो यहाँ की प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 8.8 होती है, देख लीजिए मुझे, यस 8.8 होती है, वो क्या चलती है, इफ वन पेयर, देखो अभी तक इफ बोथ पेयर चलते हैं, इफ वन पेयर
ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज पैरेलल एंड इक्वल, इज पैरेलल एंड इक्वल देन इट इज अ पैरलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मान लो ये कोई ए बी सी डी है मेरा, ठीक है। अब इसके तीन अलग अलग केसेस समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। देखो, इफ मेरा ए बी इक्वल्स टू सी डी है और ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो हाँ ये ए बी सी डी इज अ पैरलोग्राम, खत्म। मतलब ये इससे इक्वल भी है और ये इससे पैरेलल भी है, तो हाँ बेटा ये मेरा पैरलोग्राम बन जाएगा। वैसे ही इफ ए डी बी सी से इक्वल है और ए डी पैरेलल है बी सी से, तो भी मैं बोल दूंगा कि ए बी सी डी इज अ पैरलोग्राम। मतलब ये इससे पैरेलल भी है और यही इससे इक्वल भी है, तो भी मेरा ए बी सी डी पैरलोग्राम बन जाएगा। अगर इफ ए बी इक्वल टू सी डी, मतलब ये इससे इक्वल है, मैं क्या बताता हूँ, एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, मतलब ये इससे इक्वल है और ये इससे पैरेलल है, तो ये ए बी सी डी पैरलोग्राम नहीं बनता है, तो ये पैरलोग्राम नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा बिग क्रॉस डाल देना। तो देखो ये आपको ये भी चला लेगा, ये भी चला लेगा, ये वाला नहीं चलाएगा, ठीक है। तो गाइस ये हमने देखा पूरी प्रॉपर्टीज, हमने क्या देखा, तीन प्रॉपर्टी देखी पैरलोग्राम की, वो तो हमने चार्ट में सीख ली थी, चार तरीके देखे एक क्वाड्रिलैटरल को पैरलोग्राम बनाने के। तो गाइस देखो ये वाला चार्ट में सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बेटा, पूरा चैप्टर आपको चार्ट के थ्रू ही समझाने वाला हूँ मैं कि कौन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है। तो आप लोगों से प्लीज़ पहले तो रिक्वेस्ट है कि ऐसा बनाओ, पहली प्रॉपर्टी दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड में लिख लो, ठीक है। चलो पॉज करो और इतना कर लो। अब चलो अब सेकेंड प्रॉपर्टी लिख लो प्रॉपर तरीके से आप लोग। अब गाइस ये थर्ड प्रॉपर्टी लिख लो। अब ये फोर्थ वाली सिर्फ इसकी ये लिख लीजिए। चलो गाइस देखो अपनी एक प्रॉपर्टी बची है बेटा, ये सब प्रॉपर्टी से प्रूफ नहीं, आपको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी का प्रूफ है जो अपन नेक्स्ट इसमें करने वाले हैं। फिर मैं कुछ आपको बेसिक से क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ, उसके पहले और कुछ चार्ट्स भी बनवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो गाइस प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये दोनों चार्ट अच्छे से बना लीजिए, एंड आई वुड सजेस्ट एक दो बार रीड करूंगा आपको चार्ट याद हो जाएगा, कुछ होमवर्क जैसा नहीं है। सिर्फ आपको क्या होमवर्क है बेटा, ये याद करने का, कुछ सॉल्व भी किया नहीं हम लोगों ने, इतनी मेहनत लगी नहीं हमें, तो प्लीज़ बच्चा लोग वो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय गाइस।